हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। हेलो गाइस, नमस्ते बबली चौहान, गुड इवनिंग निधि, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फटाफट से आइए क्लास में ताकि क्लास को स्टार्ट कर सके। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है जॉन किट्स है, लिटरेचर के अंदर जो हमारा चला हुआ था, और जो है इसके बाद हम कोई नई यूनिट शुरू करेंगे। तो जॉन किट्स का आज हमारा जो है टॉपिक है, तो गाइस फटाफट से आ जाइए। और ये रोमांटिक एज में जो है हम जॉन किट्स को कर रहे हैं, इसके बाद जो हम कोई नई यूनिट लेंगे। और अगर आप कोई अपनी पसंद से बताना चाहते हैं तो बता सकते हो कि हमें नेक्स्ट कौन सी जो है यूनिट शुरू करनी चाहिए, कौन सी एज शुरू करें हम। तो तब तक आप जो है बबली हैं और जो है नीतू, गुड इवनिंग नीतू, वेरी गुड इवनिंग। तो आप बता सकते हो मुझे, एक तो जो है लैटिन अमेरिकन है। हेलो प्रीत, मैं बिल्कुल ठीक हूँ नीतू, आप बताइए। सोहन अमेरिकन लिटरेचर को बोल रहे हैं, चलिए जी। राजेश गुड इवनिंग, सभी अमेरिकन लिटरेचर चाहते हैं, ठीक है जी। तो अमेरिकन है, लैटिन अमेरिकन है हमारे जो यूनिट के अंदर, तो उसको ले लेंगे हम इसके बाद। तो क्लास को शुरू कर लेते हैं गाइस। आज का जो टॉपिक है, जैसा हमारा जो राइट पोइट है वो जो है जॉन कीट है। इनका जो है डेट ऑफ बर्थ और जो है उससे सीक्वेंस ही है प्रीति, ये कोई भी ले लो यूनिट। 19 सेंचुरी, वैसे तो इसके बाद है 19 सेंचुरी है, लेकिन क्या है कि अमेरिकन और लैटिन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पड़ जाता। इम्पोर्टेंट तो चलो इक्वल है, लेकिन ये कि थोड़ा टफ पड़ता है, तो हम इसको ले लेते हैं पहले से। कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज़ को कर लीजिए, लेकिन मोस्टली इसमें चाहते हैं कि अमेरिकन हो, तो इसलिए अमेरिकन को ले लेंगे। लैटिन अमेरिकन तो ये तो सब आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, तो चलो गाइस कोई बात नहीं, जैसा आप सबके ऑप्शन आएंगे, जैसा आप सब मुझे बताएंगे, मैं वैसा ही ले लूँगी। सीक्वेंस में भी चलने में कोई बुराई नहीं है, जैसे आप कहो। तो जॉन किट्स है, इनका जो है डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे 31 अक्टूबर 1795, इनका जो है जन्म होता है लंदन के अंदर, और जो है इनकी जो डेथ होती है वो फेब्रुवरी जो है 23 और 1821 के अंदर जो है इनकी डेथ हो जाती है रोम में। पेपल स्टेट्स जो है, जो इटली में जगह है, वहाँ पे जो है इनकी डेथ होती है। तो प्लेस भी आ गया इसके अंदर। गुड इवनिंग रिचू, वेरी गुड इवनिंग। तो जॉन किट्स के अंदर जो है, एक तो इसका जो है डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ का टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखना है और प्लेस भी लेना है। तो लंदन के अंदर जो है इनका जन्म स्थान है कह लीजिए, और जो है इनका जो इनकी डेथ होती है वो 23 फेब्रुवरी 1821 को होती है, और रोम जो है, रोम के अंदर पेपल स्टेट्स के नाम से जो जगह है इटली में, वहाँ पे जो है इनकी डेथ होती है। तो जैसे आप लोगों ने पूछा कि भाई, जैसे बायरन कहा आपने, हेजलिट कहा, इसके बारे में कि ये भी साथ में ले लेते हैं गाइस। एक बार देखो, वो जो है जो एक वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे, ईटीसी लिखा हुआ है, ईटीसी में जो है बायरन भी आ गया, हेजलिट भी आ गया, और जो भी रोमांटिक एज के राइटर हैं या पोइट हैं वो सभी आ गए। तो खाली जो है ये नहीं है कि जो उन्होंने मेंशन किया है वो है, पूरा रोमांटिक एज आ गया। लेकिन अब हम जो अगर करने बैठेंगे तो पूरा रोमांटिक एज है इसके अंदर, मतलब इसमें राइटर भी आ जाएंगे, इसमें पोइट भी आ जाएंगे, सब कुछ आएंगे। तो इसके इससे बेटर ये है कि जो हमें एक बार मिला है उसको कर लीजिए, मैं उसको करवा रही हूँ। आप अपना जो है जो ETC यानी कि जो रोमांटिक है आपका, उसके और जो अदर बस्ते हैं पहले इनको कर लेते हैं, जैसे जैसे टाइम बचेगा हमारे पास हम उनको भी ले लेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो इन्होंने डिटेल में बोला पहले उसको कर लीजिए, क्योंकि अभी
जो आपका एलिजाबेथिन में शेक्सपियर जो बड़ा इंपॉर्टेंट है तो वो रहता है, तो जितना बनेगा तब तक लगे रहेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है। हाँ, तो जैसे आपने कहा, मैंने बोला अभी, निधि कह रही है कि रोमांटिक प्रोज, तो गाइस जो जितना बोला है एक बार चार पांच राइटर जो इन्होंने दिए हैं वो हम कर लेते हैं, और जैसे जैसे टाइम बचेगा, क्योंकि ये तो है कि इन राइटर के अंदर, इन पॉइंट के अंदर जो इन्होंने बताया इसमें ये डेप्थ में क्वेश्चन लेंगे, उनमें जो है डेप्थ में लेंगे नहीं लेंगे उनका हल्का पूछेंगे, तो उनको भी लेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे ख्याल से एक बार जो हमें प्रिस्क्राइब्ड में मिला है, जिसको डिटेल में इन्होंने बोला है, तो उसको कर लेते हैं। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज़ ये है कि आप कोई भी बुक उठाओ, जैसे मैंने जो है नेट के पेपर में आपको बहुत सारी बुक बताई है, जो भी आपको इजीली मिल जाए, इजीली आपके पास अवेलेबल हो, उसको देखिए, रोमांटिक एज उठाइए, उस रोमांटिक एज में कितना कुछ है आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो कन्फ्यूज़ होने वाली नहीं है कि ईटीसी के अंदर क्या है, यानी इन्होंने पूरी एज बोली है तो पूरा एज ही आएगा उसके अंदर। यानी ईटीसी का मतलब यह है कि इस एज के जितने भी प्रोज राइटर हैं या पोइट हैं, जो भी उन्होंने जिसने लिखा हो सबका बनता है इसके अंदर क्वेश्चन। हाँ, बात ठीक है आपकी नीतू कि आपने इंटरलिंक्ड है, ये बेशक इंटरलिंक्ड है, तो जैसे मैंने अभी जवाब दे दिया है। और आप निधि ने पूछा कि डेथ प्लेस भी सभी राइटर का इंपॉर्टेंट है, देखो जिसका इजीली अवेलेबल हो जाता है, आप क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि लिटरेचर इतना वाइड है गाइज कि आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक बार जो है नेट के अंदर एक, मतलब देखो ये कैसे क्या हिसाब से क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसा नहीं कोई मतलब आइडिया नहीं लगा सकते। अब किसी एग्जामिनर का, किसी जो है पेपर सेटर का दिमाग कैसे चल जाए कुछ नहीं कह सकते। तो हाँ, तो अच्छी बात है निधि, अगर आप बुक से कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी तो जरूरी है, चाहे आप जो है कैसे भी करो, किसी से भी पढ़ो, सेल्फ स्टडी के बिना काम नहीं चलता है। नमस्ते दिनेश, बिल्कुल कैरेक्टर नेम भी पूछ सकते हैं जो आपके प्रोज राइटर हैं, जैसे नोवेल वगैरह जिसने लिखे हैं, या कोई और प्रोज लिखा, कोई बुक लिखी है और उसमें जो कैरेक्टर वगैरह है, तो सभी इंपॉर्टेंट है गाइस। क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ सिलेक्टिव तो आप कर ही नहीं सकते। आपको ये मैंने पहले ही बोला, आपको डिटेल में स्टडी करनी है, चाहे वो आप सेल्फ स्टडी करें चाहे कैसे भी करें। थैंक यू सुजीत, राइटिंग स्किल की क्लास आपको पसंद आए उसके लिए थैंक यू, और आप लोगों का ये मोटिवेशन ही है जो मुझे रोज जो है 7 बजे खड़ा करता है, तो आप लोगों के लिए ही मैं आती हूँ, थैंक यू। तो आई थिंक बातें हो गई हैं और अब टॉपिक को शुरू कर लेते हैं आज हम। तो जॉन किट्स का जो है, वैसे तो देखो हर चीज़ की जो माइनर डिटेल है वो याद नहीं रहती है, बिल्कुल याद नहीं रहती हर चीज़, लेकिन जितना मैक्सिमम हो सके कीजिए। तो जैसे आज जो है किसी लड़के का फ़ोन आया था सर के फ़ोन पर, उस सर ने मेरे से बात करवाई, फिर मतलब ऐप से हैं वो स्टूडेंट, तो उनके भी बहुत सारे डाउट थे कि हम क्या क्या पढ़े कितना छोड़े। तो गाइस जब तक आपका पेपर नहीं आता आप लगे रहिए, और जो है जैसे भाई क्या और बुक्स पढ़े, मतलब वो ऐप पे भी है बहुत कुछ जो है चीज़ें पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, फिर भी ये है कि और प्रिपरेशन कैसे करें, मतलब हम फैब तक जो है पूरा सिलेबस कवर कर जाएं। तो मैक्सिमम जो है आप पढ़िए, मैक्सिमम रिवीजन कीजिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है आपको जो है बैठना नहीं है, खाली नहीं बैठना है, लगे रहना है। हाँ बिल्कुल, जिससे जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे कीजिए, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, मतलब सेल्फ स्टडी कीजिए, गूगल से सर्च कीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करो। तो आई थिंक शुरू कर लेते हैं। तो जॉन किट्स का जो है ये, एक तो जो है इनका डेट ऑफ बर्थ दिया है और प्लेस दिया है, यहाँ पे जो है उनकी जो है डेथ ऑफ डेट है, तो इसको भी आपको दोनों पॉइंट हैं क्लियर। अब यहाँ उनकी आगे जो है बायोग्राफी से रिलेटेड लेते हैं, क्या है कुछ है उन्होंने लिखा है जो है। आपको सबको ये पता है गाइस, सचिन, हाँ सचिन का अभी रिसेंटली जो है जैसे इन्होंने लिखा है कि थैंक यू सचिन, और ये जो है अभी इनका रिसेंटली ही एग्जाम क्लियर हुआ है ये जो एंड नेट का है, तो मोस्ट वेलकम इन योर क्लास, गुड इवनिंग विजेता।
आपके पास सब कुछ है, आप सब कुछ पढ़िए, जो कुछ है आपके पास सब कुछ पढ़िए। आप कह रहे हो सुजीत की 50 मार्क्स में भी इंग्लिश हिंदी नहीं, इंग्लिश हिंदी नहीं आएगी, इंग्लिश हिंदी दोनों निकाल दिए हैं आपका जो है। अगर आपको कॉमन सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं पता तो एक बार कॉमन सब्जेक्ट का सिलेबस देखो आप, हिंदी इंग्लिश आपकी बार वहाँ से निकाल दी गई है आपका जो है। एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी उसकी तरफ ज़्यादा फोकस है, फिर आपका हरियाणा जीके है कुछ है क्वेश्चन है, तो क्राइटेरिया बांटा हुआ और मैंने भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। जॉन कीट्स जो है रोमांटिक एज के राइटर हैं, पोइट है रिचू ये। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। मैंने तो 3 बार स्टार्ट करने की कोशिश कर ली, लेकिन आप जो है लिटरेचर में ज्यादा इंटरेस्टेड हो और इसलिए जो है, तो अब कर लेते हैं स्टार्ट, थोड़ी देर पढ़ते हैं, फिर कोई बीच में डाउट हो तो बताना। तो यहाँ पे जो है, जैसे आपने जॉन किट्स के बारे में सुना है, पढ़ा है कि जॉन किट्स को जो है उनकी एज जो डेथ है वो अर्ली एज में ही जो है एक्सपायर हो गई थी, और उनको ट्यूबरकुलोसिस की जो प्रॉब्लम थी, यानी कि वो जो है टीबी की बीमारी से ग्रसित थे, और उनके जो है परिवार में भी ये जो है उनके ब्रदर को भी थी, उससे पहले इनके ब्रदर एक्सपायर हो गए थे, और उस टाइम पे जो है टीबी का जो है कोई इलाज नहीं होता था। तो थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड ले लेते हैं गाइज, वैसे तो सब लिखा हुआ है फिर भी जो है समझने में इजी रहेगा। इनके फादर की डेथ जो है अर्ली एज में हो गई थी, जॉन किट्स के फादर की जो डेथ है, ये 3 बहन भाई थे, और जो है इनके फादर की डेथ जो है बड़ी अर्ली एज में हो गई थी जब जॉन किट्स बहुत छोटे थे, और इनकी मदर ने रीमैरिज करी, और वो रीमैरिज करने से जो है वो और भी ज़्यादा जो हालत है वो ख़राब हुई, यानी कि जिनसे उन्होंने शादी की थी वो मतलब कि ना वो बच्चों को संभाल रहा था ना जो है उसकी, मतलब वो जो है एक हैप्पी मैरिज साबित नहीं हुई, और उसकी मदर को जो है थोड़े टाइम बाद ही उनसे डाइवोर्स लेना पड़ा। तो मतलब उनकी मदर जो है एक पहले सदमे में थी और दूसरा एक और सदमा हो गया, तो यानी वो भी जो शादी वो सक्सेसफुल नहीं निकली। उसके बाद जो है गाइस, जब थोड़े से दिन बाद जो है अर्ली एज में ही, मतलब वो छोटे ही थे तीनों बहन भाई, तो उनकी मदर भी एक्सपायर हो जाती हैं, और जो है इनकी कस्टडी फिर उनकी ग्रैंड मदर के पास चली जाती है, जो जॉन किट्स है उनकी ग्रैंड मदर के पास। अब ग्रैंड मदर उनको संभालती है, यानी वो उनकी गार्जियन बन जाती है, और वो जो है मतलब उनकी स्टडी भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, और उनकी जो गार्जियन है वो जो है रिचर्ड एबे को उनकी उनका गार्जियन बना देती है, और रिचर्ड एबे जो है जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे उनको वहाँ से निकालते हैं, और जो है वो उनको जो है मतलब कि डॉक्टरी लाइन में या कहीं अप्रेंटिसशिप दिलाते हैं। और आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि वो जो है फिर जो है किसी सर्जन के अप्रेंटिस बन जाते हैं, यानी वो जो है एक मेडिकल लाइन में भी जाते हैं, और फिर उनको वो चीज़ें पसंद नहीं आती। एक और बात, जब वो किसी जब स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल का नाम वगैरह आएगा, तो जिनका वो स्कूल था उनके बच्चे के साथ उनकी जो है दोस्ती है, दोनों जगह फोकस करना पड़ेगा, फोकस तो आपको ही करना है रिचू, और कोई नहीं करेगा आपके नाम का। चलिए जो आपको ठीक लगे, जहां से भी आपने नेगेटिव कैपेबिलिटी से शुरुआत की है तो वो भी ठीक है, जहां से आपको ठीक लगता है, तो आपको जो है ना फोकस तो खुद ही करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, और अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो हर किसी की ना जो घरेलू प्रॉब्लम है लगभग सेम ही होती है जो फीमेल होती है उनको, तो लेकिन फिर भी आपको जो है ये मैनेज तो आपको ही करना पड़ेगा, पेपर सभी देने तो सभी करने पड़ेंगे। गुड इवनिंग मनन, वेरी गुड इवनिंग। तो अब जो है वो जिस स्कूल में जब पढ़ते थे, यानी जो उनके फ्रेंड बने, उन्होंने ही उनको जो है फेरी क्वीन ला के दी थी जब वो जो पढ़ते थे। यानी पहले तो ऐसे थे पंगनेशियस टाइप के जो है चाइल्ड रहे जॉन किट्स, यानी झगड़ालू टाइप के रहे हैं, और उनका कोई लिटरेरी जो है इस तरह का कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जो है लिटरेरी बंदा भी हो सकता है कल को। और उनका जो फ्रेंड है वही उनको जो है फेरी क्वीन जो एडमंड स्पेंसर है उनकी ला के देते हैं, उन्हीं से जो है उनका इंटरेस्ट जो है फिर आगे लिटरेचर में हो जाता है। तो ये सब वैसे तो लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन आपको समझने में आसानी रहेगी। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो वैसे तो मैं शुरू कर चुकी हूँ, तो अब इसको जो हमारी पीडीएफ है इसको पढ़ते हैं गाइस। जॉन अटेंडेड अ स्कूल एट एनफील्ड टू माइल्स अवे दैट वाज रन बाय जॉन क्लार्क।
ये जॉन क्लार्क जो है जो स्कूल को चलाते हैं उस स्कूल के ओनर का नाम है, हुज सन्स चार्ल्स काउडन क्लार्क डिड मच टू एनकरेज किड्स लिटरेरी एस्पिरेशन। तो यहाँ से मैंने जो है आपको इनका बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया है, जैसे कि आप उनकी अर्ली एज में जो है उनके फादर की डेथ हो जाती है, उनकी मदर जो है रीमैरिज करती है, वो भी जो है सक्सेस नहीं होती है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे वो जब स्कूल में पढ़ते थे, तो जब स्कूल में पढ़ रहे हैं तो वहाँ स्कूल जो है एनफील्ड नाम से जो स्कूल है, मतलब जगह है वहाँ पे, उस स्कूल का नाम है, और वो जो है जॉन क्लार्क जो है उस स्कूल को चलाते थे। इन्हीं का बेटा था चार्ल्स काउडन क्लार्क, ये जो उन्हीं का बेटा था। तो मैंने जैसे कहा ना कि थोड़े से झगड़ालू नेचर के थे जॉन किड्स पहले, लेकिन इन्होंने जो है इनको सबसे पहले फेरी क्वीन दी थी, और उस फेरी क्वीन से इनका इंटरेस्ट जो है, यानी ये किसने दी थी, इनके अंदर जो है ये लिटरेरी एस्पिरेशन लाने वाले हैं कौन, तो ये जो अपने आप में नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, चार्ल्स काउडन क्लार्क जो है ये इम्पोर्टेंट है। इन्होंने ही ऐसा, मतलब इनको जो है किस्म से लिटरेरी साइड्स में धकेला था या उनका इंटरेस्ट उधर जगाया था, ये कह सकते हो। तो ये नाम अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता गाइज, क्योंकि क्वेश्चन का हमें किसी को नहीं पता कौन से क्वेश्चन कहाँ पे पूछे जाएंगे। तो जो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको अच्छे से याद रखिए। हाँ नेगेटिव, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। वैसे नेगेटिव कैपेबिलिटी गाइस जो है इन्होंने जो जॉन किड्स हैं इन्होंने जो है, मतलब नेगेटिव कैपेबिलिटी इनका क्रिटिसिज्म के अंदर आता है, तो नॉर्मली नहीं लिया जाता। हाँ ये नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है इन्होंने शुरुआत की है, लेकिन ये जो है इनका जो शुरुआत मानी जाती है, ये कोई बुक नहीं है, नेगेटिव कैपेबिलिटी एक टर्म है। इनका मतलब ये है, नेगेटिव कैपेबिलिटी का ये मतलब होता है। अच्छा चलिए आप ही बताइए। बिल्कुल था ले हंट से, तो बताइए आप में से जो मुझे बताना चाहे नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है, तो एक बार उसी की बात कर लेते हैं फटाफट से। बताइए नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है। हाँ ये दीदी ने ठीक कहा कि उन्होंने जो है नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो जॉन किड्स ने मतलब यूज की है, और वो जो है शेक्सपियर के रिगार्डिंग की है। अच्छा दिनेश बता रहे हैं अपने काम में डूब जाना, बाकी किसी चीज की तरफ ध्यान ना देना। गाइस एक टाइप से ठीक है, आपने आप लोगों ने जवाब दिया। नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है, कैपेबिलिटी को थोड़ी देर छोड़ भी दे तो नेगेटिव से यहाँ पे, यानी ऐसी कैपेबिलिटी है एक्चुअली में, जो क्या है वर्ल्ड वर्थ के टाइम पीरियड के ये लोग हैं, यानी वर्ल्ड वर्थ इनके जो है फर्स्ट जनरेशन के पोइट थे, और ये उनकी सेकंड जनरेशन के अंदर आते हैं। तो वर्ड वर्थ ने जो है एक लाइन बोली है कि पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग, तो आपने ये सुना होगा। यानी इसका मतलब ये है कि जो वर्ड वर्थ ये कहते हैं कि जो कोई पोइट कुछ लिखता है वो उसके अंदर की ही बात होती है, यानी वो जो है उसका इमोशन होता है, जो वो जो है उस इमोशन में ही लिखा जाता है। यानी जो पोइट्री लिख रहा है एक पोइट, और या कोई क्रिएशन कर रहा है, कोई भी राइटर हुआ या पोइट हुआ, तो इसका मतलब वो जैसा फील करता है, जैसा उसके अंदर इमोशन होते हैं, वैसा ही वो लिखा जाता है। तो वर्डवर्थ ने मतलब कि ऐसा कुछ बोला ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो से। अब जो है इसका मैंने वैसे तो आपको क्लास में पहले भी बताया है कि टी एस एलियट ने जो है वर्डवर्थ का इसी बात पर क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने ये कहा कि जो पोइट्री है वो जो है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग नहीं है, बट ये जो है एस्केप ऑफ पर्सनैलिटी है, मतलब कि ये पर्सनैलिटी से बचना है। तो इसी चीज़ को जो है, यानी टी एस एलियट का जो इम पर्सनैलिटी का
जो पॉइंट है वही जो है एक किस्म से नेगेटिव कैपेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि पोइट वो नहीं होता कि आप किसी की पोइट्री देखो और उसके बारे में जो कुछ लिखा हुआ है, उसने उस पोइट्री में जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो राइटर या वो पोइट जो है उस चीज़ में बिलीव करता है। यानी एक राइटर की वो कैपेबिलिटी होती है कि वो जो है अपने आप को उस चीज़ से बिल्कुल कट ऑफ होके जो है फिर चीज़ को लिख सकता है, तो वो पोइट या राइटर होगा। ये नहीं कि वो दुखी है तो दुख की लिखेगा, सुखी है तो सुख की लिखेगा। यानी उसकी पर्सनैलिटी का जो है उसके क्रिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वही जो है इम्पर्सनैलिटी का की टर्म है और वही जो है नेगेटिव कैपेबिलिटी है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ देखो सारी चीज़ों में तो नहीं थे लेकिन इस पॉइंट पर वो बिल्कुल अगेंस्ट थे वर्डवर्थ के। हाँ मतलब कि वो अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल हटकर लिखें, और जो है वो जो है मतलब पर्सनैलिटी वाला भी लिख सकते हैं लेकिन ये नहीं कह सकते कि किसी ने कोई क्रिएशन लिखी तो आप जो है उसी क्रिएशन को एज इट इज़ मान लें कि भाई हाँ ये भी ऐसा ही सोचता है, ये ऐसा ही बंदा है, तो इसको हम ऐसे कैसे नहीं मान सकते। तो ये जो है नेगेटिव कैपेबिलिटी है। हाँ जी हाँ जी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अलग चीज़ होती है सोनिया। ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन अलग, बिल्कुल अलग चीज़ है, और नेगेटिव कैपेबिलिटी बिल्कुल अलग चीज़ है। ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हैं, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आप सब बातों को छोड़ो, मैं एक आपको बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। एक बार मतलब कई साल पहले की बात है, ऑफलाइन क्लास के अंदर कोई क्लास में बात चल रही थी और मैंने जो है ये बोल दिया कि भाई जैसे हम नॉर्मली कह देते हैं कि लड़कियों को वो जो है फ्रीडम नहीं है, आज़ादी नहीं है, और जो है वो उनको मतलब कि लड़कों को जो है पेरेंट्स खुली छूट दे देते हैं कि वो किसी टाइम जाए किसी टाइम आए, लेकिन लड़कियों को जो है वो बहुत ज़्यादा बांध के रखा जाता है। तो मैं क्लास में ऐसा बोल रही थी, मैं ऐसा पढ़ा रही थी, कोई बात चल रही थी, और वो कहीं किसी को मतलब लड़कियों को ऐसे जाने भी नहीं देते हैं कहीं। तो इसी ब्लर हो गया, अब तो ठीक है। तो उस टाइम पे जो है मतलब और दो चार बातें मैंने बोली, तो उसमें से क्लास में से किसी स्टूडेंट ने खड़ा होकर मुझसे पूछा कि मैडम आपको भी कभी कहीं आपके पेरेंट्स ने जाने नहीं दिया, या जो है मतलब आप इतना एक्सपीरियंस से बोल रहे हो तो आपके साथ भी ऐसा वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है? तो गाइस जब मैंने बोला कि भाई ऐसे मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, और मतलब ये क्या था, ये नेगेटिव कैपेबिलिटी है, तो क्या मेरे साथ जब तक नहीं बनेगी तब तक मैं उस चीज़ को महसूस नहीं करूंगी, तो इसको नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं। तो ये होती है नेगेटिव अब ठीक है अब ब्लर नहीं हो रहा ब्लर। तो इसको जो है नेगेटिव कैपेबिलिटी कह सकते हो कि आप ऐसी बात को भी उतने ही एक्सपीरियंस के साथ बोले जो आपके साथ नहीं भी बनी है। बार बार ब्लर क्यों हो रहा है? एक बार ठीक हो जाता है फिर हो जाता है। मतलब एक राइटर है या जो है एक हम, जैसे मैं तो कोई राइटर नहीं कोई पोइट नहीं, तो मेरी बात को सुन के ही सभी उन स्टूडेंट को लगा कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ होगा या मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे वो फ्रीडम नहीं दी होगी, तो इसलिए मैं इसलिए मतलब इतनी बात बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ बनी है तो मैं बोल रही हूँ। तो गाइज इसको ही नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं कि जो आपके साथ नहीं बनी है, क्या आप उसको सोसाइटी के थ्रू या किसी के थ्रू आप जो इतने सेंसिटिव हैं या नहीं हैं कि आप उसको फील कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो कोई आपका जो है। हाँ कोरिलेटिव बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, वाइट स्क्रीन है इसलिए ब्लर हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन का भी मैं बता देती हूँ क्या होता है। वैसे ऑब्जेक्टिव के कोरिलेशन यहाँ तो नहीं है लेकिन आप इसको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं दे सकती हूँ कि जैसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है कि एनवायरनमेंट का जो है इमोशन के साथ अटैचमेंट देना, वो जो है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव होता है। आज टॉपिक तो कुछ और है, चल कुछ और रहा है। तो गाइस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव क्या होता है कि जब आप जो है जैसे मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ, जैसे हम जो है
मूवी देखते हैं और मूवी के अंदर आपने गाना देखा होगा, कई बार क्या होता है कि जो वो हीरो हीरोइन है जब उनका कोई रोमांटिक सॉन्ग चल रहा हो तो पीछे जो ना कभी कूड़ा करकट नहीं दिखाएंगे, कोई पोल्यूशन की चीज़ नहीं दिखाएंगे, वो कब्रिस्तान में डांस करते हुए नहीं दिखाएंगे, तो क्योंकि उनकी फीलिंग ऐसी है रोमांटिक, तो पीछे जो है बाग बगीचे दिखाएंगे। या आप देखो स्विट्जरलैंड की जो है वो जो आइस है बर्फ है वो गिरती हुई वो उस एरिया में लेके जाएंगे, यानी कि जो फीलिंग है उसके साथ एनवायरमेंट को अटैच करना। आप ये देखो कि भाई अगर कोई सैड सॉन्ग है या जो है सैड माहौल है तो आप जैसे दिखाते हैं कि कई बार ट्रेजेडी दिखाते हैं तो आंधी बड़ी तेज आ रही है, बारिश भी हो रही है, आंधी भी आ रही है, तो उसके साथ हम जो है उन चीज़ों के साथ अटैच कर पाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये होता है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं गाइज। हाँ बिल्कुल, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, बिल्कुल। तो वो जो है उसके मतलब ऐसा लग रहा है कि वो जो है हीरोइन क्या रो रही है, मतलब एनवायरनमेंट भी रो रहा है, बिल्कुल। चलो जी चलिए, तो नेगेटिव कैपेबिलिटी भी हो गया आज हमारा, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव भी हो गया। तो कर लेते हैं अब जो है जॉन किट्स को। जॉन अटेंडेड अ स्कूल एट एनफील्ड, एनफील्ड में वो जो है स्कूल को अटेंड करते हैं, वो जगह है, और वहाँ पे जो है वो जो स्कूल किसका था, जॉन क्लार्क का था, उन्हीं का बेटा था चार्ल्स काउडन क्लार्क, और उन्होंने ही जो है इनकरेज किया था किसको, किड्स को किया था कि वो जो है, और मैंने कहा कि उनको जो है फेरी क्वीन दी थी जो है एडमंड स्पेंसर की जो फेरी क्वीन है वो पढ़ने के लिए दी थी, उससे इंस्पायर होकर अंदर उनके अंदर जो है एक लिटरेरी जो है मतलब उनका हाँ उसके अंदर जो है मतलब उनका लिटरेरी जो एक एनकरेजमेंट आया या उनके लिए इंटरेस्ट जगा। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं, यानी ये उनके फ्रेंड हैं जिन्होंने ऐसा काम किया, नहीं तो हम जॉन किट्स को शायद किसी और ही रूप में देखते। अब जॉन किट्स वॉज अप्रेंटिस टू अ सर्जन एट एडमोंटन इन 1811। तो गाइस ये जो है ना पॉइंट है, इनकी स्टोरी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब जैसे क्या है कि उनके फादर की डेथ हो जाती है, उनकी मदर की डेथ हो जाती है, उनकी ग्रैंड मदर जो है उनको किसी के पास छोड़ देती हैं, जो रिचर्ड एबे हैं उनका गार्जियन बना देती हैं क्योंकि वो उन तीनों बच्चों को संभाल नहीं पाती। तो वो जो है उनका स्कूल छुड़वा के, यानी जो भी जिस लेवल पे थे वो स्कूल छुड़वा के उनको जो है किसी सर्जन का जो है अप्रेंटिस बना देते हैं, यानी एक टाइप का उनका हेल्पर बना देते हैं, वो जो है मेडिकल साइड में जाएं इसलिए। लेकिन अब जो है अब नेक्स्ट लाइन में है, यानी ये पॉइंट है खाली, इसकी स्टोरी हम ऑलरेडी ले चुके हैं। ही ब्रोक ऑफ हिज अप्रेंटिसशिप इन 1814, यानी वो 11 में बनते हैं और लगभग 3 साल के करीब जो है वो काम करते हैं। लेकिन जो है 1814 के अंदर वो जो है अपनी अप्रेंटिसशिप को छोड़ जाते हैं, वेंट टू लिव इन लंदन, और लंदन में चले जाते हैं वेयर ही वर्कड एज अ ड्रेसर, और वो एक जो है ड्रेसर के रूप में, जूनियर हाउस सर्जन के रूप में, एट गेस गाइस एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल। तो गाइस एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल के अंदर वो जो है एक तो जूनियर हाउस सर्जन के रूप में काम करते हैं और ड्रेसर के रूप में काम करते हैं। अब जो है यानी कि वो जो है वहां से तो छोड़ जाते हैं लेकिन आगे चल के इस तरह के छोटे छोटे काम करते हैं। नेक्स्ट, चार्ल्स काउडन क्लार्क हैड इंट्रोड्यूस द यंग किड्स टू द पोइट्री ऑफ एडमंड स्पेंसर एंड द एलिजाबेथियंस एंड दीज वर हिज अर्लीस्ट मॉडल्स। तो ये जो मैंने ऊपर बताई है वही है कि जो है चार्ल्स काउडन जो है वो उनको जो है इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, जो है किड्स को जो है पोइट्री से, और किसकी पोइट्री, यानी कि स्पेंसर से उनको एक किस्म से अवगत कराते हैं, स्पेंसर की जो है फेरी क्वीन देते हैं, और जो एलिजाबेथिन अदर जो एलिजाबेथिन है शेक्सपियर या अदर्स हैं तो वो उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, और यही स्टार्टिंग में इनके जो है अर्लीस्ट मॉडल थे। हिज फर्स्ट मैच्योर पोइम इज इन द सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैन होमर। तो उन्होंने जो है होमर की जो है चैपमैन जो होमर लिखी है उसने ट्रांसलेट की है ये उसको पढ़ते हैं, और उनको पढ़ने के बाद जो है ये जो है इनका फर्स्ट सोनेट आता है 1816 के अंदर। क्लार्क ऑल्सो इंट्रोड्यूस किड्स टू द जर्नलिस्ट। अब जो है मतलब इनका जो है लाइफ में क्लार्क का बड़ा रोल रहता है। क्लार्क ऑल्सो इंट्रोड्यूस किड्स टू द जर्नलिस्ट एंड कंटेम्प्रेरी पोइट ले हंट।
तो जो है क्लार्क ही इनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किससे करवाते हैं? जो ले हंट है वो जो है जर्नलिस्ट हैं और जो है कंटेम्प्रेरी उस टाइम के जो है उनके पोइट हैं, तो उनसे जो है इनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। किड्स मेड फ्रेंड्स इन हंट्स सर्कल, और जो किड्स हैं वो जो है अपने सर्कल बनाते हैं, हंट के जो है सर्कल में ही उनके फ्रेंड बनते हैं। और आपने जो है शैले को पढ़ा था तो उसमें भी ये था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, क्योंकि वो भी जो है ले हंट के ही सर्कल के थे। और जो है ये किड्स को जो है शैले वहाँ जहाँ बाहर ये इटली वगैरह में रहते हैं तो तब बुलाते भी हैं, लेकिन तब तो वो मना कर देते हैं उनके पास जाने से, क्योंकि उनको लगता था कि वो कुछ ज़्यादा ही रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के हैं। लेकिन बाद में वो जो है लास्ट में जाते हैं, वो यही था कि वो अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते थे। जब उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है और उस टाइम पे ये इलाज नहीं था, तो उनको लगता है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा उनकी हेल्प करेगा उस प्रॉब्लम को सहन करने में। तो जो है इसलिए जो है ले हंट का जो है सर्कल किसके साथ था गाइस? शैले के साथ भी था। और जो जो ले हंट के सर्कल में थे उनके साथ जो है किड्स की जो है फ्रेंडशिप हो जाती है उसके सर्कल के अंदर। और उसके अंदर जो है कुछ एक नाम दिए हैं यहाँ पे, द यंग पोइट जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स एंड विद द पेंटर बेंजामिन हेडन। तो इनके साथ इनकी जो है फ्रेंडशिप हो जाती है, ये उसी सर्कल के लोग थे। किड्स फर्स्ट बुक पोइम्स, ये जो है इनकी फर्स्ट बुक है, पोइम जो है उनकी फर्स्ट बुक का नाम है, पब्लिश्ड इन मार्च 1817। और ये जो है 1817 के अंदर जो है पब्लिश होती है, वॉज रिटन लार्जली अंडर हंटेनियन इन्फ्लुएंस। और ये जो है ज़्यादातर, क्योंकि अब जिनके सर्कल में रह रहे हैं तो लिखेंगे उन्हीं के इन्फ्लुएंस में आके, तो ले हंट जो थे उन्हीं के जो है इन्फ्लुएंस में आके ये लिखते हैं इस चीज़ को, किसको जो है ये पहली जो इनकी बुक आती है। किड्स यूज ऑफ लूज फॉर्म ऑफ द हीरोइक कपलेट, इसके अंदर जो है किड्स जो है हीरोइक कपलेट का जो है लूज फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि पूरे उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं। एंड लाइट राइम्स, उनके लाइट राइम को यूज करते हैं। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पोइम इन दिस वॉल्यूम इज स्लीप एंड पोइट्री, ये इनकी जो है इस वॉल्यूम के अंदर पोइम्स के अंदर जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो स्लीप एंड पोइट्री थी। द मिडल सेक्शन ऑफ विच कंटेन्स अ प्रोफेटिक व्यू ऑफ किड्स ओन पोइटिकल प्रोग्रेस, और इसी के अंदर जो है जो स्लीप एंड पोइट्री के अंदर, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन जाएगा गाइज, अगर ज़्यादा ही डिटेल में जाते हैं क्वेश्चन, तब क्या क्वेश्चन बनेगा इसको ले लेते हैं। एक तो जो है ये तो है ही सिंपल क्वेश्चन कि भाई इनकी जो पहली बुक का नाम क्या था, पोइट्री की पहली बुक थी वो बुक ही पोइम नाम से थी, और वो जो है किसके इन्फ्लुएंस में लिखी गई है, तो हंटेनियन या ले हंट के जो इन्फ्लुएंस में लिखी गई है उसी के स्टाइल में लिखी गई है ये कह सकते हो आप। और इसके अंदर जो है हीरोइक कपलेट जो है लूज फॉर्म में यूज़ किया गया है, यानी उसके रूल रेगुलेशन को पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया है। अब यहाँ पे इसकी जो है इस कलेक्शन की जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोइम है या वॉल्यूम है वो है स्लीप एंड पोइट्री के नाम से है। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि किड्स की जो है इसके अंदर उसके पोइटिकल प्रोग्रेस के बारे में बताया गया है कि उसके अंदर जो है पोइटिक जो प्रोग्रेस है, पोइटिकल जो प्रोग्रेस है वो कैसे होती है, यानी पोइम की तरफ जो है किड्स का रुझान धीरे धीरे कैसे होता है, तो इसके अंदर जो है ये सब बताया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, मतलब डिटेल का क्वेश्चन बनेगा। लेकिन ये नेक्स्ट है, अब इन 1817 किड्स लेफ्ट लंडन ब्रीफली फॉर अ ट्रिप टू द इसेल ऑफ वाइट एंड कैंटरबरी एंड बिगेन वर्क ऑन एंडीमियोन हिज फर्स्ट लॉन्ग पोइम। तो 1817 के अंदर जो है किड्स जो है थोड़े टाइम के लिए लंडन को छोड़ जाते हैं और वो जो है इसेल ऑफ वाइट एंड कैंटरबरी में चले जाते हैं, बिगेन वर्क ऑन एंडीमियोन, और एंडीमियोन पे वो काम करते हैं जो उनकी फर्स्ट लॉन्ग पोइम थी। ये जो है इनकी फर्स्ट लॉन्ग पोइम थी। तो आपको देखो कई कई चीज़ें फर्स्ट आ गई हैं, उनका भी ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है वो कौन सी क्या फर्स्ट है। वो पोइम्स जो है वो बुक है फर्स्ट इनकी, ये इनकी लॉन्ग पोइम जो है फर्स्ट है। तो ऊपर हमने लिखा था वो भी जो है क्या फर्स्ट था, तो उसको भी ध्यान रखना आपको। एंडीमियोन अपीयर्ड इन 1818, ये जो है डेट, एंडीमियोन अपीयर्ड इन 1818, तो जो एंडीमियोन है वो 1818 के अंदर आई, तो ये भी अपने आप में इसकी डेट जो है इम्पोर्टेंट हो जाती है। दिस वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू फोर 1000 लाइन सेक्शन,
यानी जो है 1000 के, यानी कि कह लीजिए 4000 लाइन में लिखी गई है, फोर सेक्शन में ये बटी हुई है। इस वर्स इज कंपोज्ड इन लूज राइम्ड कपलेट्स, और ये जो है मतलब ऊपर लिखा है वही कि ये लूज जो है राइम्ड कपलेट में है। अब ये है जो है जो इन्होंने एंडी मियोन लिखी है, और इसके बाद जो है जैसे गाइज यहाँ से थोड़ा सा मैं इसका लिंक बना देती हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या है। ब्रूटल क्रिटिसिज्म ऑफ हिज अर्ली पोइम्स अपीयर्ड इन ब्लैकवुड मैगजीन। अब देखो यहाँ से जो है लिंक क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा है हमने कि 1817 के अंदर जो है किट्स जो है मतलब कि लंदन से चले जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको जो है टीबी की प्रॉब्लम हो चुकी है, और फिर जो है उनका एंडीमियन भी आ चुका होता है, यानी इन्होंने जो लॉन्ग पोइम लिखी है उनका जो है ये वर्क भी आ चुका है, और उनको ये भी पता चल चुका है कि उनको जो है टीबी की प्रॉब्लम है। अब देखिए, अब वो लंदन में जब वापस आते हैं तो एक तो वो जो है अपनी प्रॉब्लम से जो है ग्रसित हैं, या उससे सैड हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है कि मुझे हुआ क्या, और ऐसी बीमारी हुई जैसे आज के दिन किसी को पता चले कि मुझे कैंसर हो गया, तो वही सिचुएशन शायद उस टाइम पे किड्स की रही होगी। तो वो कह रहे हैं कि ब्रूटल क्रिटिसिज्म। अब वो जब आते हैं लंदन के अंदर तो उनका स्वागत किस चीज़ से होता है, किस चीज़ से होता है, ब्रूटल क्रिटिसिज्म होता है, यानी जो उन्होंने पहले लिखा है उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है जैसे ही वो लंदन में वापस आते हैं। और वो किस में था, ब्लैकवुड मैगजीन के अंदर, यानी पहले वाली जितनी भी लिखी है सब के बारे में उसमें अनाप शनाप बोला गया था, और फॉलोड बाय सिमिलियर अटैक। और जो है एंडीमियन के बारे में भी जो क्वार्टरली रिव्यू जो मैगजीन आती थी उस टाइम पे, उसमें जो है एंडीमियन का भी क्रिटिसिज्म है, यानी एक तो आदमी अपनी पर्सनल जो प्रॉब्लम से जूझ रहा है, फिर जो वो वर्क कर रहा है उसके ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात समझने की है, हम लोग जो कॉमन होते हैं वो क्या होते हैं गाइस, कि वैसे तो सभी टूट जाएंगे, और जॉन किट्स को भी डेफिनेटली बहुत बुरा लगा होगा। तो एक तो आप जो है आपकी प्रॉब्लम इश्यू इतनी ज़्यादा है, मतलब ऐसी बीमारी आपको लग गई है जॉन किट्स को कि इतनी भयानक है जिसका कोई इलाज नहीं है, ऊपर से आप जो वर्क कर रहे हो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी नॉर्मल आदमी टूट जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जॉन किट्स ने जो है उस क्रिटिसिज्म को भी मतलब कि एक पॉजिटिव वे में लिया, पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, मतलब उसको जो है उसको भी झेला, और जो उनकी प्रॉब्लम चल रही थी उसको भी झेला। और सबसे बड़ी बात मतलब मुझे जो उस बंदे की जो सबसे बड़ी अच्छी बात लगी वो ये थी कि उन्होंने उस काम को कंटिन्यू भी रखा, यानी कि जब इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और आपकी हेल्थ भी आपका साथ नहीं दे रही है, फिर भी वो जो है पर्सन आगे भी अपना लिटरेरी वर्क कर रहा है। और ये सब आपको पता ही है कि उनको अपने टाइम में, लाइफ टाइम में जो है वो फेम नहीं मिला जो उनको बाद में मिला, यानी इनके जो वर्क को सराहा है वो नेक्स्ट जो जनरेशन आती है विक्टोरियन इरा की, वो जो है इनको जो है अप्रिसिएशन देती है। तो गाइस इस तरह से काम करना भी, मतलब वैसे तो अर्ली एज में चले गए थे ये, लेकिन इस तरह से काम करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आपका क्रिटिसिज्म हो रहा है, आप हेल्थ वाइज भी जो है मतलब डाउन जा रहे हो, और फिर भी जो है आप आगे काम कर रहे हो। अब है किड्स हैड रिटन इसाबेला एन एडेप्शन ऑफ द स्टोरी। इसाबेला जो है ये एक पोइम लिखते हैं, इनका वर्क है ये, जो वर्क है सॉरी ये, और ये एक एडेप्शन है किसकी स्टोरी से, पोर्ट ऑफ बेसिल जो है एक पोइम वर्क है, और वो किसका है, जो जीवानी बकैशियोस डी कैमरन, ये जो है ग्रीक राइटर है बकैशियो, और इन्हीं को जो है बहुत बार इनसे प्रेरित होकर, इनसे इंस्पायर होकर कैंटम्बरी टेल या जो है जैसे वो क्या है चौसर ने भी बहुत कुछ लिखा, तो ग्रीक राइटर है ये, जैसे दांते हुआ, बकैशियो हुआ, ये जो है ग्रीक राइटर हैं गाइस, आई थिंक ये जो है 3rd-4th century के होंगे, तो इनसे इंस्पायर होकर चौसर ने अपने बहुत सारे जो है वर्क लिखे, बुक ऑफ डचेज लिखा है चौसर का जो वर्क है, तो वो जो है इसी तरह से बकैशियो से इंस्पायर होकर, बकैशियो ने ही लिखा है डी कैमरन, और इसके अंदर स्टोरी है पोर्ट ऑफ बेसिल, और उससे इंस्पायर होकर इसाबेला लिखा हुआ है। तो क्या आप में से किसी ने पोर्ट ऑफ बेसिल या इसाबेला की स्टोरी को पढ़ा है, या पता है आप लोगों को क्या है? और ये जो है 1817 के अंदर आई, यानी एक साल में 1718 के अंदर इनके बीच में इन्होंने इनको लिखा, सून आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एंडीमियन, जैसे ही इन्होंने एंडीमियन को कंप्लीट किया उसके बाद इन्होंने जो है इसाबेला को लिखा, और ये इसाबेला जो है
किसका अडेप्शन है, ये पोर्ट ऑफ बैसिल का है और ये बकैशियो की जो है वर्क है उसमें इसकी कहानी है, तो उससे इंस्पायर होकर उन्होंने इसाबेला लिखा है। पढ़ी है आपने, मनन ने इसको पढ़ा है, वेरी गुड मनन। इट वॉज ड्यूरिंग द ईयर, एक्चुअल में इसकी स्टोरी क्या है गाइज, इसाबेला की, वैसे तो कल हम इसके वर्क करेंगे तो उसमें बात करेंगे। हाँ जी, हाँ ठीक है दिनेश, वैसे हम कल इनके वर्क करेंगे, आज इनकी बायोग्राफी से रिलेटेड है तो तब इसकी जो स्टोरी होगी थोड़ी बहुत मैं बता दूंगी आप लोगों को। इट वॉज ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1819, ये जो है दैट ऑल हिज ग्रेटेस्ट पोइट्री वॉज रिटन, तो ये जो है इनका जो है एक ग्रेटेस्ट पोइट्री लिखने का टाइम पीरियड था 1818 के अंदर। इसके अंदर लेमिया आया, द ईव ऑफ सेंट एगन्स, द ग्रेट ओर्स इंडोलेंस ऑन एग्रेशन ऑन टू साइकी टू ए नाइनटिंगेल ऑन मेलनकली एंड टू द ऑटम और टू वर्जन ऑफ हाइपीरियन, तो ये जो है इनके वर्क आए, यानी इनका सबसे जो है प्रोग्रेसिव वर्क कह लीजिए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक हूँ ऋषि मैं, आप अपनी सुनाइए आप कैसे हैं। बिल्कुल हाँ सुजीत, ये मेन कैरेक्टर है और इसकी स्टोरी जो है, पहले देखो ये बेसिल क्या होता है, आप में से जिसको इसका मीनिंग पता वो बताएंगे मुझे, बस मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, कुछ भी गूगल पे सर्च वर्च करके मत बताइए, आपके पास बहुत टाइम है, सारा दिन होता है, अगला दिन होता है, आप अपनी सेल्फ स्टडी में कुछ भी यूज करो, लेकिन क्लास में जो आपकी जो प्रेजेंट की नॉलेज है उसी से बताएंगे, मैं कोई आपका जो है टेस्ट नहीं ले रही हूं। हाँ बिल्कुल नीतू, नीतू आपने स्टोरी बिल्कुल ठीक बताई, तुलसी होता है, बिल्कुल सभी का जो है बेसिल इज अ पोट पोट टाइप ऑफ लीफ, बिल्कुल ठीक है, तुलसी होता, सीधा सीधा कह सकते हैं तुलसी का पौधा कह लीजिए, पोट तो वो गमला कह लीजिए, पोट वो होता है, तो ये जो है तुलसी का गमला कह लीजिए, यही है, बिल्कुल ठीक है। दिस पोइट्री वॉज कंपोज अंडर द स्ट्रेन ऑफ इलनेस एंड हिज ग्रोइंग लव फॉर ब्राउन ने, अब ये कह रहा है कि अब इसका लिंक आप अपने आप से देखिए, यह कह रहा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि दिस पोइट्री वॉज कंपोज अंडर द स्ट्रेन ऑफ इलनेस, एक तो वो बीमारी की सिचुएशन में है और जो है उनका ब्राउनी के साथ जो है जो लव अफेयर है या लव है, इसको अफेयर कहना मुझे बिल्कुल गलत लगता है, जो एक ट्रू लव होता है उसके लिए, तो ये कहें कि एक गुड रिलेशन जिसको हम कह सकते हैं, तो इंग्लिश का बड़ा भयंकर काम है, अच्छी चीज़ के लिए भी एक ही वर्ड है, गलत चीज़ के लिए भी एक ही वर्ड है, तो यहाँ पे जो है इस ग्रोइंग लव फॉर ब्राउनी, और ब्राउनी जो फैनी ब्राउनी जो उनकी बिलव्ड है, तो उसके उसका उसके साथ कैसे रिलेशन आगे बढ़ता है, उसका ये टाइम पीरियड था और उनकी इलनेस भी साथ में बढ़ रही थी, तो उसी दौरान इन्होंने ये सब लिखा है। एंड इट इज़ एन एस्टोनिश बॉडी ऑफ वर्क, मतलब ये काफ़ी अच्छा जो है वर्क है इनका, मार्क्ड बाय केयरफुल एंड कंसिडर्ड डेवलपमेंट टेक्निकल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल, मतलब हर एंगल से जो है बहुत अच्छा है ये, इसको अच्छे से समझ सकते हो। इसकी वजह भी है गाइस, अगर आपने इसकी जो है लाइफ हिस्ट्री को पढ़ा है, तो किसी भी लड़की के लिए ऐसे एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता है, और वो आखिर तक उसका साथ भी देती है, उसको पता है कि ये जाने वाला है, थोड़े टाइम का है, तो और ऐसी बीमारी से है कि वो जिसका इलाज ही नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बनी रहती है उसके साथ, जॉन किट्स के साथ बनी रहती है, फिर जॉन किट्स ही छोड़ के जाता है, मतलब उस देश को ही छोड़ जाता है, इटली में जाता है, तो वो मतलब उससे मैरिज नहीं करती, ये ठीक है। तो ये कहेंगे कि हर एंगल से जो है ये वर्क जो है हर एंगल से अच्छे हैं, टेक्निकली इमोशनली और इंटेलेक्चुअली हर एंगल से इनको जो है सराहा गया है। अब इसाबेला को जो है, इसाबेला विच किड्स हिमसेल्फ कॉल्ड अ वीक साइडेड पोइम, इसाबेला को जो है ये खुद ही जो है किड्स
ए वीक साइडेड पोइम कहते हैं, कंटेन सम ऑफ द इमोशनल वीकनेस ऑफ एंडीमियन। और वो कहते हैं इसके अंदर भी जो है इमोशनल वीकनेस है, जैसे कि आपकी एंडीमियन के अंदर है तो इसमें भी कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है, और यही वीकनेस जो है इसाबेला के अंदर भी है। हाँ कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हाँ ये बात ठीक है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो है ना ऐसा बेला खुद ही लिखते हैं, और उस दौर में लिखते हैं जब जो है उनकी बीमारी भी बढ़ रही है और उनका लव भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो है इसको वीक साइडेड पोएम क्यों बोला है, इसको जो है वीक साइडेड पोएम बोला क्यों बोला है। और ये कहते हैं कि एंडीमियन के अंदर भी ये जो है इमोशनल वीकनेस है, तो आप में से जिसको भी इसका कोई भी आइडिया हो मुझे जवाब दीजिए। आप तब तक थोड़ा सा आगे ले लेती हूँ मैं। द ईव ऑफ सेंट एगन्स मे बी कंसिडर्ड द परफेक्ट क्लूमिनेशन ऑफ कीट्स अर्लियर पोएटिक स्टाइल रिटन इन फर्स्ट फ्लश ऑफ हिज मीटिंग विद ब्राउन ने। इट कन्वेज एन एटमोसफेयर ऑफ पैशन एंड एक्साइटमेंट इन इट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द इलोपमेंट ऑफ अ पेयर ऑफ यूथफुल लवर्स। तो ये कह रहा है द ईव ऑफ सेंट एगन्स मे बी कंसिडर्ड, इसको जो आप एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मान सकते हो, जितना भी इससे पहले किड्स ने जो भी पोइटिक स्टाइल अपनाया है, यानी उसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन कह सकते हो। वीडियो क्लियर नहीं है, बीच बीच में पता नहीं आज क्यों ब्लर हो जाता है सुजीत, आई डोंट नो, बीच में हो जाता छोटा थोड़ा बहुत एक आध सेकंड के लिए, लेकिन आज ही हो रहा शायद, ये जो है या तो इस वजह से हो रहा होगा कि आज लाइट का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है यहाँ, तो इस वजह से हो रहा होगा ये। तो ये इसको जो है द ईव ऑफ सेंट एगन्स, ये बात जो है मनन ने जो इसका आंसर दिया है ये बिल्कुल राइट है गाइज, कि वो जो है इसाबेला को जो है एक वीकनेस क्यों मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है जिसका ये पक्षधर खुद थे, जिसके फेवर में थे ये, जिसके लिए जो है वर्डवर्थ तक को क्रिटिसाइज करते हैं, तो ये उस चीज़ को खुद ही नहीं मतलब उसके अंदर अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि वो जो है मतलब कि खुद जिस सिचुएशन में है वैसा ही लिखा है उन्होंने, एक तो ये है। हाँ वो कंपेयर खुद से कर बैठते हैं, तो ये नहीं है कि वो लिख जो एक पोइट है राइटर है जैसा महसूस करते हैं वैसा उसको लिखना नहीं होता, वैसा भी लिख सकते हैं, लेकिन जो है वो जैसा, इसकी एक वजह ये है कि कई बार क्या होता है कि जिस कंडीशन में हम होते हैं, जैसे आपने कई बार मूवी देखी होगी, आप मूवी देख रहे हो और अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम चल रही है और हम खुद उस प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, हम सफ़र कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में, तो जैसा सोल्यूशन वो मूवी वाले निकालते हैं हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वैसा ही समझ लेते हैं कि भाई ये इसके साथ हुआ तो ये मेरे साथ भी होगा, तो कहीं ना कहीं जो है वो उन्होंने जो है जो उस पोइम के अंदर थीम दिखा, क्योंकि उन्होंने भी जो है जो बकैशियो हैं उनका उनसे इंस्पायर होकर लिखा, तो उन्होंने जैसा उसका एक समझा कि भाई इसी तरह से जैसे इसाबेला जो है अपने लवर के लिए फील करती है या रहती है, तो ऐसा ही फैनी बर्नी करे ब्राउनी करेगी मेरे लिए, लेकिन ये जो है रियलिटी डिफरेंट होती है और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। प्रणाम रिंकू जी, थैंक यू जी। इट कन्वेज द एटमोसफेयर ऑफ पैशन एंड एक्साइटमेंट, तो इसके अंदर जो है वो सभी कुछ है इसके अंदर जो मतलब कि उन्होंने जैसा ब्राउनी के लिए फील किया, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है गाइस, जब तक आदमी जैसा अंदर से फील करता है कुछ हद तक वैसा लिखता है, लेकिन वो दूसरी चीज़ों को भी सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही हैं उनको फील करके भी लिख सकता, कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो उसी के साथ ऐसा कुछ बना हुआ हो। तो ये जो है स्पेंसियर स्टेंजा के अंदर लिखी हुई है, तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन जाता है।
लैमिया इज अनदर नैरेटिव पोइम एंड इज डेलिबरेट अटेम्प्ट टू रिफॉर्म सम ऑफ द टेक्निकल वीकनेस ऑफ एंडीमियन। अब यहाँ पे ये कह रहा है लैमिया। अब यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। एपिक थिएटर में भी तो यही होता है, सब यही चीजें हैं वहां पे भी। लैमिया इज अनदर नैरेटिव पोइम एंड इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू रिफॉर्म सम ऑफ द टेक्निकल वीकनेस ऑफ एंडीमियन। तो लैमिया जो है वो एक दूसरा वर्क है, और इसके अंदर जो है जॉन किट्स ने जो एंडीमियन के अंदर जो टेक्निकल प्रॉब्लम रही, यानी टेक्निकल वीकनेस जो रही, जो उसको लगा कि ये कमियां रह गई, इसको इन्होंने इसमें इम्प्रूव किया है। ऑल द ऑर्ड्स वर कम्पोज बिटवीन मार्च एंड जून। तो ये कह रहा है कि सभी जो है जितने भी उनके वर्क हैं वो मार्च और जून के बीच में ही जो है कंपोज हुए हैं, एक ऑटम को छोड़ दो, तो ऑटम जो है सितंबर में। तो अगर कभी बिल्कुल एक नॉन सीरियस सा क्वेश्चन बनाना हो तो बन सकता है यहाँ से। जैसे मैं बताते बताते वो बात रह गई कि नेट में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक पोइम थी, वो तो मुझे ध्यान नहीं अब किसकी थी, छोटी सी पोइम होती थी तो हम तो उसको सीरियसली भी नहीं लेते थे पढ़ते हुए। उसमें हाँ शायद वो थी फिलिप लार्किन की थी कोई पोइम, उसमें बहुत छोटी सी पोइम है, उसकी पोइम पढ़ा, थीम पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। अब वहाँ जाके जो है क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी या तब कहीं देखा था कि उसमें क्वेश्चन मिलता है कि उसमें जो कैरेक्टर है उसके अंकल का क्या नाम था। तो वही सिर्फ रे क्वेश्चन भी अवेलेबल हैं, वो भी हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल नॉन सीरियस सा क्वेश्चन, कोई सोच नहीं सकता कि अंकल का नाम भी बताना पड़ेगा हमें। इन द ओड टू अ नाइनटिंगेल और पोइम के अंदर वो भी, ओड टू द नाइनटिंगेल ए विजनरी हैप्पीनेस इन कम्यूनिंग विद द नाइनटिंगेल एंड इट्स सॉन्ग इज। तो इनका ये जो है अदर वर्क है नाइनटिंगेल, ये भी एक विजनरी हैप्पीनेस को शो करता है उसके सॉन्ग के साथ। और थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, कंट्रास्टेड विद द डेड वेट ऑफ ह्यूमन ग्रीफ एंड सिकनेस। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है, ये जो है इसको जो है विजनरी हैप्पीनेस क्यों बोला, पहले तो ये बताएंगे आप लोगों से ही आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, खुद जो है एक्सप्लेन करने की, उससे जो है एक हाँ इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल अब जो है इसके अंदर आपके लिए क्वेश्चन है कि विजनरी हैप्पीनेस क्या होती है, विजनरी हैप्पीनेस क्या होती है, फिर हम इसको ले सकते हैं। क्योंकि अब क्वेश्चन क्या है कि ओड टू अ नाइनटिंगेल के अंदर जो है विजनरी हैप्पीनेस शो की गई है। देखो ये इतने डिटेल का कोई क्वेश्चन बनता नहीं है गाइस, और जो है बिल्कुल बिल्कुल, तो ये लेकिन क्या है कि ये चीज़ें आपको याद रह जाएंगी, और इनका ये मतलब पीजीटी के लेवल पे मुझे लगता नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन क्योंकि हम कर रहे हैं और ये चीज़ें आपको जो है एक नॉर्मल तरीके से याद रह जाएं, इसलिए मैं पूछ रही हूँ ये कि विजनरी हैप्पीनेस क्या है यहाँ पे। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कह रहा है कि नाइनटिंगेल और उसके जो सॉन्ग है उसका कंट्रास्ट है किसके साथ, भाई वहाँ पे जो है वो आदमी जो अपने ग्रीफ में है, वो अपनी प्रॉब्लम में है, वो अपनी सिकनेस में है, एक साइड वो है यानी वो जो सीन चल रहा है और वो चीज़ जो है दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी उनके मन में क्या है और सामने जो है सीन क्या है जिसको देख के लिखा जा रहा है, तो ये कंट्रास्ट शो करता है। तो ये विजनरी कैसे, विजनरी हैप्पीनेस क्या है ये बताना आपको। अब इसको जब तक मैं आगे पढ़ लेती हूँ तब तक आप मुझे आंसर देंगे। द सॉन्ग ऑफ द नाइनटिंगेल इज सीन एज अ सिंबल ऑफ आर्ट दैट आउट लास्ट द इंडिविजुअल मोर्टल लाइफ। तो ये कह रहा है कि वो उसको एक सिंबल ऑफ आर्ट के रूप में दिखाता है जो नाइनटिंगेल का जो सीन है या सॉन्ग है उसका। चलिए कोई और बताइए, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दीजिए। तो ये कह रहा है कि सॉन्ग ऑफ नाइनटिंगेल जो है वो एक सिंबल ऑफ आर्ट है, और ये उस चीज़ को जो करता है कि जो इंडिविजुअल मॉडल लाइफ को, तो यानी कि एक ये कह रहा है कि जो आर्ट है या कला है वो परमानेंट रहती हैं, और जो है इंडिविजुअल की जो आउटलास्ट का मतलब है कि किस तरह से नकार देना, तो आदमी की जो लाइफ बेशक मॉडल है नश्वर है, लेकिन ये चीज़ें जो आर्ट ऑफ जो है
सिंबल ऑफ आर्ट जो है या इस तरह की जो प्रकृति की चीजें हैं वो हमेशा उस चीज को परमानेंट बना के रखती हैं। दिस थीम इज टेकन अप मोर डिस्टिंक्टली इन द ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, और यही जो है ग्रेशियन अर्न के अंदर थीम है कि भाई सब कुछ मिट जाता है, और ये हमारी ग्रेजुएशन में भी है ओड टू एन ग्रेशियन अर्न की, लेकिन जो अर्न है उसकी जो पोर्ट सा है उसकी जो सुंदरता उसके ऊपर जो कारीगरी की गई है वो परमानेंट है, वो बनी रहेगी। द ओड ऑन मेलनकली रिकोगनाइज दैट सैडनेस इज द इनएविटेबल कॉनकॉमिटेंट ऑफ ह्यूमन पैशन एंड हैप्पीनेस, दैट द ट्रांसियंस ऑफ जॉयज एंड डिजायर इज एन इनएविटेबल एस्पेक्ट ऑफ द नेचुरल प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मेलनकली है, मेलनकली वैसे मेलनकली का मीनिंग ही जो उदासी होता है, तो इसके अंदर जो है चलिए ठीक है, हैप्पीनेस विजनरी हैप्पीनेस इसलिए बोल रहा है गाइस क्योंकि विजन का मतलब खाली देखना होता है, तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है अंदर से फील कर रहे हो उस चीज़ को, यानी फील तो होता ही है। आपने एक छोटी सी बात सुनी होगी, ऐसा कहते हैं कि जो है सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूँ, चलिए आपसे ही पूछ लेती हूँ, कोई डिश है सबसे पहले उसको जो है आपका कौन सा ऑर्गन जो है वो टेस्ट करता है ये बताइए। कोई आपके सामने डिश आती है, कहीं आप रेस्टोरेंट में कहीं किसी जगह जाते हो या आप किसी प्लेस में जाते हो जहाँ मान लीजिए एक डिश है तो वो आपके सामने आती है, सबसे पहले कौन सी चीज़ जो है आपका कौन सा जो है ऑर्गन वो जो है उसको टेस्ट करता है ये बताइए। अब इसको लेती हूँ तब तक मैं, ओड ऑन मेलनकली रिकॉग्नाइज दैट सैडनेस, ये कह रहा है कि जो ह्यूमन पैशन है और हैप्पीनेस है ये जो है इसके साथ सैडनेस तो बनी ही रहेगी, सैडनेस जो है उसका एक पार्ट है टंग, सबने कहा टंग है, निधि ने टंग कहा, जो बबली चौहान ने कहा नोज, और जी पूनम ने जो है टंग कहा, नोज मनन का है, नीतू का आइस, मनन का और जो है नीतू का बिल्कुल सही है, सबसे पहले किसी चीज को, दिनेश ने भी सही बोला बिल्कुल बिल्कुल, अरे उन्होंने सुजीत ने तो पूरी एक कोटेशन हिट दे दी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, सबसे पहले जो किसी डिश को जो टेस्ट करती है वो हमारी आंखें टेस्ट करती हैं गाइस, क्योंकि अगर वो हमें दिखने में ही अच्छी ना लगे ना तो शायद हम उस चीज़ को खाएं ना, तो टेस्ट, क्योंकि मैंने टेस्ट वर्ड बोला ना शायद आप इसीलिए टंग टंग लिख रहे हो, तो किसी चीज़ को जैसे हम कहीं जाते हैं हम खाएंगे कि नहीं खाएंगे वहाँ पे, तो वो जो है उस वहाँ का एनवायरनमेंट देख के हम कह देते हैं इसकी क्या चीज़ बढ़िया होगी। कई बार आप देखिए कि आप किसी फाइव स्टार या अच्छे होटल में पहुँच जाते हैं उसकी डेकोरेशन वगैरह देख के, तो आपकी आँखों ने कहा कि चलिए वहाँ पे क्योंकि आपको वो चीज़ें अच्छी लगी, तो सबसे पहले जो है हाँ बिल्कुल अगर देखो कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ की जो है जैसे आप उसमें देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको, आप YouTube पे वगैरह पे कोई कोई खाना बनाता है ऐसी कोई वीडियो देख रहे हैं तो ना तो आपको खुशबू आ रही है, टेस्ट का तो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है, फिर भी आपका वो चीज़ जो है खाने का मन कर जाता है, तो ऐसा कौन सी चीज़ थी जिसने बिना आपकी जो है खुशबू दिए ही आपको मजबूर कर दिया, और कई बार तो इतना अच्छा लगता है कि हम वो चीज़ मंगवा ही लेते हैं फिर। हाँ बिल्कुल, पिक्चर देख के आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो साइड में वो लगे होते हैं पूरे बैनर से लगे होते हो, इतना खाना अच्छा हो ना हो लेकिन साइड में इतना पिक्चराइजेशन इतना अच्छा होता है, तो विजनरी यही है गाइस। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो विजनरी था पहले वाले के अंदर, विजनरी हैप्पीनेस का मतलब है कि देख के भी चीज़ों को खुशी मिलती है, और सुजीत ने तो बड़ा बढ़िया सा एग्जांपल दिया, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ठीक का ऐसे तो कुछ चीजें होती है लेकिन आप ना कभी उसको बना के देखने का इन द सेंस है वो अभी कच्ची देखते हो ना आप, लेकिन उसको बना के और बिल्कुल सजा के गार्निश करके उसको सामने रखो तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये क्या है, और फिर कोई भी किसी को कुछ भी खिला सकता है। गुड इवनिंग रोजर, गुड इवनिंग। तो आई थिंक चलते हैं, अब है ऑटम इज एसेंशियल द रिकॉर्ड ऑफ सच एन एक्सपीरियंस, ऑटम इज सीन नॉट एज ए टाइम ऑफ डिके बट autumn is seen not as a time of decay but a season of complete ripeness and fulfillment.
ऑटम क्या होता है गाइस? पतझड़ होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है दिनेश। टू ऑटम जो है पतझड़ यानी, और इस पतझड़ के अंदर जो है अच्छा जी, थैंक यू जी। ऑटम इज सीन, तो जो है हम ऑटम को यानी पतझड़ को यानी नेगेटिव चीज जो होती है यानी पतझड़ में पत्ते गिर जाते हैं सारी जगह जो है, मतलब कि पेड़ पौधे में कुछ होता नहीं, कोई हरियाली नहीं, तो हमें तो वो जो है नेगेटिव लगता है। और उसी को जॉन किट्स कह रहा है कि ऑटम जो है वो टाइम ऑफ डिके नहीं है, यानी कि वो गिरावट का, पतन का टाइम नहीं है, बल्कि वो जो है कंप्लीट राइपनेस का है, यानी किसी चीज के प्रफुल्लित होने का, या ये कह लीजिए उसकी जो है पीक पे जाने का टाइम होता है, फुलफिलमेंट का टाइम होता है। यानी ये भी पॉजिटिव तरीके से लिया गया है यहाँ पे। अपोज इन टाइम व्हेन एवरीथिंग हैज रीच्ड फ्रूटेशन एंड द क्वेश्चन ऑफ ट्रांसियंस इज हार्डली रेस्ड। तो ये कह रहा है कि वो एक ऐसा टाइम होता है जहां पे कोई चीज अपने पीक पे पहुंच जाती है, तो ये पीक को दिखाता है। गुड इवनिंग मोनिका, वेरी गुड इवनिंग। द प्री रेफेलाइट पेंटर विलियम होलमैन हंट कुड रेफर टू हिम एज दिस लिटिल नोन पॉइंट। तो ये एक क्वेश्चन बन जाता है गाइज आपका यहां से। क्वेश्चन क्या है कि किसने जो है, ऐसे क्वेश्चन आपने बड़े पढ़े होंगे। हाँ बिल्कुल, ऑप्टिमिस्टिक मैनर है ये। तो विलियम, ऐसे क्वेश्चन पढ़े होंगे कि ये किसके ने किसके बारे में कोई कोटेशन दी है, तो दिस लिटिल नॉन पॉइंट ये जो है किसके बारे में बोला है, तो ये जो है किसके बारे में बोला, जॉन किट्स के बारे में। और किसने बोला है, विलियम होलमैन हंट ने बोला है। और वो विलियम होलमैन कौन है, वो जो है प्री रेफेलाइट जो है पेंटर, यानी वो पोइट है, पेंटर और पोइट वो है। ऑटम, ओट टू ऑटम, ओट टू ऑटम है ये। तो गाइस ये थी आज हमारी जो है जॉन किट्स से रिलेटेड उसकी उनकी बायोग्राफी, उनके कुछ वर्क की डिटेल। लेकिन अभी जो है ये काफी रहता है, मतलब इनके वर्क लेते हैं कितना डिटेल में हम इनको कर पाते हैं, और जो है कोई कोटेशन जो हमें इम्पोर्टेंट लगेंगी वो सब। तो आई थिंक टाइम मुझे पता नहीं कितना हुआ है, 1 घंटे की क्लास हो गई है। तो आज की क्लास में इतना ही गाइस, और आप सब आज जो है काफी टाइम तक बने रहे तो उसके लिए थैंक यू गाइस। तो मिलते हैं फिर कल, और कोई गुड नाइट। कल जो है इसको पूरा करते हैं। थैंक यू विजेता, आप लोग ही हो जो मुझे ऐसा इंस्पायर करते हो कि मैं कुछ करूं। तो गुड